हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस भाई, काफ़ी टाइम के बाद ब्लॉग बना रहा हूं, क्योंकि भाई बहुत सारी कंडीशंस थी, मैं आपको बताऊंगा मोटो ब्लॉग में क्यों क्यों रहा क्या भाई का, मतलब मान लो एक महीना हो ही गया होगा अगर मैंने ब्लॉग नहीं डाला था, तो मुझे लगता है एक महीना हो ही गया। शॉर्ट्स भी अभी थोड़ा डाल नहीं पा रहा हूं, टाइम नहीं मिल पा रहा, बस थोड़ा ये टाइम की वजह से ही मैं नहीं डाल पा रहा हूं। अभी होली का भी ब्लॉग मैंने बनाया हुआ था, पर वही करप्ट हो गई वीडियो, तो डाल नहीं पाया मैं उसको ब्लॉग। तो गाइस अभी तो हम अपने मीटअप पॉइंट पे हैं, जो कि है भाई दिल्ली गेट चाय वाला, सेकंड मीटअप पॉइंट है हमारा। चाय भाई मैं पीता नहीं हूँ, बहुत कम पीता हूँ, वैसे तो पीता ही नहीं हूँ बिल्कुल। तो यार भाई अभी हम लोग सब लोग हैं, राइडर्स वगैरह आ गए हैं, आई थिंक 15 लोग तो होंगे, 15-16 लोग अभी इतने ही हैं, बाकी देखते हैं और आ रहे हैं, वेट कर रहे हैं, फिर अपना निकलेंगे। जो कि लोकेशन है मथुरा से पहले कोई ब्रिज है अपना, हाँ उधर है, मैं आपको तो बाइक पर अब सब चलने का टाइम हो गया, सब रेडी हो रहे हैं, अपने अपने ड्रेस वगैरह पहने रेडी हो रहे हैं लाइनअप के लिए, लेकिन नहीं लाइनअप का अंदर है उससे इधर ही लगेगा लाइनअप, तो भी हमें जाना ही साइड ही है। सो भाई फाइनली अपनी राइड हो चुकी है स्टार्ट, आई थिंक 18 लोग हो ही गए हैं, बाकी भाई पिजन्स के कुछ ज़्यादा नहीं है, एक दो तीन ही लोग पिजन्स होंगे, वैसे तो पता नहीं है मुझे भाई। मजा आने वाला इसकी राइड पर, क्योंकि न्यू लोकेशन है थोड़ी, जहाँ जा रहे हैं वैसे मथुरा साइड ही है वो, मथुरा से पर पहले इतना है अराउंड 51 किलोमीटर। तो भाई बात ये है कि आपको मैं बता दूं कि भाई ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे, ब्लॉग भाई इसलिए नहीं आ पा रहे थे क्योंकि भाई मैंने ब्लॉग तो बनाया था, होली का बनाया था, होली पर इतना फन किया भाई, इतना फन किया भाई हम लोगों ने, भाई राइड भी करी थी उस दिन और उसके अगले दिन भाई खेले भी थे, जिस दिन होली थी हमारी, जिस दिन जुलाई होती भाई उस दिन तो अपने खूब मजे करे भाई, राइड वगैरह करी थी, उसके अगले दिन तो फिर भाई जो मस्ती करी है ना भाई मैं ही आ गया था। पर लेकिन वही है, अब जैसे ही मैं एडिट करने बैठा पता नहीं वीडियो क्रैप हो रही थी बीच बीच में से, मतलब कुछ वीडियो चल नहीं रही थी, फिर मैंने ब्लॉग का मतलब ही नहीं बनता है भाई, क्या ही एडिट करूँगा क्या ही डालता हूँ। जिस टाइम पर हमने मस्ती वगैरह करी ना वही वीडियो क्रैप हो गई भाई, पता नहीं कैसे होगी भाई, काफ़ी टाइम से रखी रही थी 5-6 दिन तक, मतलब कर लूँगा मैं आराम से, क्योंकि अभी थोड़ा एग्जाम वगैरह भी आने वाले हैं, तो पढ़ाई वगैरह चल रही थी इसलिए मैं कर नहीं पाया था। तो भाई मेरा ब्लॉग पूरा मिट्टी चला गया था होली वाला, होली वाला ब्लॉग नहीं आता। उसके बाद भाई हमने किया था क्रिकेट टूर्नामेंट, उसका ब्लॉग मैंने बनाया ही नहीं, या क्या ही ब्लॉग बनाता भाई, उसमें हमें फुल भाई इन्जॉयमेंट ही जो करना था, उसमें ब्लॉग बनाना बेकार ही था, इसलिए मैंने ब्लॉग नहीं बनाया उसका भी। उसके बाद भाई आज राइड हो रही है संडे को, आज है भाई अपनी डेट हो गई है 21 अप्रैल, मजा आने वाला भाई आज की राइड में, बने रहना बस ब्लॉग के अंदर। भाई बहुत गड्ढे हैं यार, इधर यार यार पुल बना नहीं है, बस ये कि एक्टिवा में एक ही फायदा है कि भाई अपना थोड़ा सा उठ जाओगे ना, तो भाई इससे क्या होगा भाई अपना सारा जो लिफ्ट वगैरह वजन वगैरह होता है ना मेंटेन हो जाता है भाई, अगर बैठे ही रहोगे ना फिर तो ये गाड़ी गिरने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अपना जगह का मान लो गड्ढा आ रहा है, एकदम थोड़ा उठ जाओगे ना तो भाई थोड़ी जो अपनी जो लाइन वगैरह होती है वो थोड़ी एकदम स्लो में आ जाती है भाई। कितने किलोमीटर है? 15 किलोमीटर बता बचा ही होगा, 5-6 किलोमीटर तो बचा ही होगा अपना जो। वैसे व्यू तो भाई बहुत अच्छा आ रहा है, इतना कहूँगा एक नंबर व्यू। आ गए भाई फाइनली वो वाला ब्रिज हमारे जस्ट सामने, आपके डुबकी लगानी है अंदर ब्रिज तो आ गए भाई, ब्रिज तो आ गए भाई, अपनी डुबकी लगानी है जन्नत जी में। ना भाई चाय चाय नहीं पियेंगे भाई, ठंडा पिलाओ ठंडा।
ये रहे अपन के सारे लोग, सारे राइडर्स। हाँ बातचीत चल रही है, महंगी बातचीत। सो गाइस ये रही अपन की लोकेशन जो कि हमें आना था। नाम क्या था ब्रिज का? सो गाइस अपन का जो ब्रिज का नाम था वो था गोकुल बैराज, जो कि भाई ये देख रहे हो गोकुल बैराज का। चलो आपको ब्रिज दिखाते हैं, ये रहा भाई गोकुल बैराज का ब्रिज, ऐसे कुछ नाम था। मैं पूछ रहा था ये विवेक भाई से, तो भाई वो देख रहे हो ब्रिज, मुझे पहले लग रहा है डैम है भाई। पानी अभी थोड़ा कम है यमुना जी में, बाकी आपको पता ही है यमुना जी में पानी कम होता भाई। एक टाइम पे भाई पानी बहुत था एक टाइम पे भाई पानी इतना था ना भाई, हद से ज़्यादा। जहाँ तक देख रहे हो ना, यहाँ तक पूरा भरा हुआ था। ये रहे हमारे भाई सारे राइडर्स, सब लोग इधर बैठे हुए अपना शूट्स वगैरह कर रहे हैं, वीडियो शूट वगैरह। और भाई धूप भी निकल आई है, देख रहे हो जेरी धूप, सूरज भाई देव तो निकल आए हैं। अब थोड़ी देर बैठते हैं फिर उसके बाद निकलेंगे। तो फाइनली गाइस भी अब हम निकल रहे हैं अपनी ब्रिज से, अब निकल रहे हैं। अब हम जा रहे हैं अपना रमन नीति, सडन प्लान बना हुआ है रमन नीति का। तो भाई चलते हैं अभी, टाइम है अभी, इसलिए अब रमन नीति जाते हैं, पास पड़ेगा इसलिए। तो भाई अब घूम ही लें भाई रमन नीति भाई, कृष्ण जी यादव जी की बहुत ही प्यारी जगह है वो भी। एटमोसफियर भी ठीक लग रहा है रमन नीति आश्रम, आई थिंक पास आ चुके हैं बहुत रमन नीति के हम लोग। सो गाइस भाई फाइनली अपन लोग आ जाए हैं रमन नीति। ये रे भाई रमन नीति, अरे भाई अपने सारे एड्रेस, गाड़ी हमने गाड़ी वहाँ पार्क कर दिया, पहले पार्किंग भी समझ में नहीं आ रही थी। तो गाइस आप चलते हैं अंदर की साइड, आपको थोड़ा पास से एक चीज भी दिखाते हैं, वीडियो की क्वालिटी अच्छी आ रही है। ए अंदर चलने का। तो गाइस ये देख लो भाई हिरन अंदर, अरे फोकस। तो गाइस चलते हैं आगे की तरफ। हाँ थोड़ा पास से देखते हैं भाई क्या चीज है, शुतुरमुर्ग क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई हिरन तो बहुत सारे हैं, ये देखो गिले भी जरा भाई हिरन बहुत पास से। तो बहुत पास आ गया हमारे सब्सक्राइबर। जंप मार भाई, जंप मार अभी मोहित सिंह लगे मोबाइल अंदर गया ना, नहीं बैठ गई फिर सलमान को बुलाना पड़ेगा तभी देगा ये। वही फाइनली हम जा रहे हैं अब अंदर, एंट्री हो रही है अंदर हमारी। मेरे भाई सारे राइडर्स सब लोग जा चुके हैं अंदर, चलते भाई अंदर चलते हैं भाई, काफी बढ़िया है मतलब भाई काफी चेंजेस हुआ है भाई इधर, काफी चेंजेस। एक चीज और बताऊं भाई, यहाँ के मैंने रील वगैरह देखी थी भाई, यहाँ पे ना हाथी आता है भाई पूजा करने के लिए, आरती करने के लिए। और जगह का इस जगह यही है, मैंने जब रील में देखा था रिसेंटली, इस पिछले महीने मतलब होली जब आई थी ना उस टाइम की बात है वो, मैंने खुद देखा था पर मैं आया नहीं था एक्चुअली, मैंने वो रील देखी थी इंस्टाग्राम पे। तो गाइस बहुत ही ज़्यादा प्यारी जगह है भाई रमन नीति से, ये बताऊँ तो किशन जी दादा जी की बहुत ही ज़्यादा प्यारी जगह है। अंदर चल रहे हैं भजन, तो गाइस चलते हैं अंदर। तो वही फाइनली जय भाई अपनी रमन नीति, जैसे कि आप देख रहे हो रेती रेत है ये रमन नीति, इसलिए इसे बोला जाता है। यहाँ पे भाई सब लोग अपना पूजा वगैरह करते हैं। ये भाई आप जैसे देख रहे हो ना पूरी भाई रेती रेत है, पूरी भाई रेती रेत, देख रहे हो मेरे पैर देखो
मिट्टी ये पता नहीं रहते जो भी है, पर भाई ठंडी बहुत है। और भाई ये देखो छोटे छोटे हाउस रमंडी थी के अंदर, भाई फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं तो भाई रमंडी थी। व्यू भी भाई बहुत अच्छा है भाई इधर का, और भाई बहुत ही प्यारी जगह भी है भाई, सबके प्यारे हैं भाई, किशन जी आ रहे तो भाई प्यारी जगह भी है उसी हिसाब से। सो भाई प्रॉपर हमारी अब अंदर हो चुकी है एंट्री रमनीति के अंदर। और भाई इधर तो पानी है भाई, देखा है क्या नाम है भाई, पानी गहरा है आवश्यक सूचना, ठीक है पानी गहरा है इसका मतलब। काफी बढ़िया जगह है भाई, लोग तो यहाँ पे नहा भी रहे हैं हीरो। रेलिंग लगी हुई है इधर, आई थिंक इसके अंदर शायद से और गहरा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। तो भाई ये देखो भाई सब लोग उधर कर रहे हैं भाई स्नान। मेरे भाई अपने सारे लोग जरूर। भाई बहुत ज्यादा प्यारा व्यू आ रहा है, पानी तो भाई ठंडा है, ठंडा पानी। अभिषेक भैया कहाँ जा रहे हो? अभिषेक भैया नहाने के मूड में हो बेटा? भाई हमारे राइडर सब रहे पैर ठंडे कर रहे हैं भाई, सब लोग पैरों में नरमी ले रहे हैं। सो गाइस अभी हम लोग हैं रमन डेती के अंदर। ये भाई अपनी भाई इधर नदी है वही अंदर रमन नीति के अंदर, सब लोग बैठे हुए थे पानी के अंदर। अब चल रहे हैं भाई, देखते हैं अब कहाँ निकल रहे हैं। भाई बहुत ही अच्छा व्यू है भाई इधर का, सच में बहुत ही ज्यादा प्यारा व्यू है। सब हो चुके हैं रेडी, अब चलते हैं भाई बाहर की तरफ। एक व्यू देखो कितना प्यारा व्यू आ रहा है। सो फाइनली गाइस हम जा रहे हैं बाहर की तरफ। ओके भाई अंदर तो भाई हो गई हमारी शूटिंग वगैरह भी हो गई, फोटो शूट भी हो गया, व्लॉग शूट भी हो गया, रमणनीति के दर्शन भी हो गए भाई, नदी में भी बहुत मजा आया, पानी बहुत ठंडा था और भाई गहरा भी बहुत था बीच में। सो ज़्यादा हम लोग अंदर गए नहीं, बस भारी बाहर थे। अब चल रहे हैं बाहर, देर हमारे सारे राइडर्स आगे की तरफ, सबसे पीछे मैं ही चल रहा हूँ क्योंकि भैया का भाई बैग रह गया था, वो ये दिया था उठा के भाई, तो भाई महंगी बातचीत चल रही थी भूल ही गए। तो भाई चलो मिलते हैं आपसे सीधा आगे मिलते हैं। तो गाइस भाई अब चल रहे हैं घर की तरफ। कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग? अच्छा लगा तो गाइस लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। तो गाइस मिलते हैं आपसे एक और ऐसी बढ़िया सी ब्लॉग में। तो गाइस लाइक कर दिया करो गाइस और कमेंट भी, और गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे एक ऐसी बढ़िया सी ब्लॉग में।